हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ हैं श्वेता जोशी, जो कि एमएस कर रही हैं आईआईटी मद्रास से। तो वेलकम श्वेता, वेलकम टू गेट एंड टेक। हाय सर। कैसा लग रहा है यहाँ आके? हाँ काफी मस्त लग रहा है, मतलब तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए तो लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा, फिर हम आपकी जर्नी कवर करेंगे। और मेन जर्नी जो आपकी रहेगी कि आपको आईटी मद्रास में आपने कैसे मतलब एडमिशन लिया है, क्योंकि आपका अलग ही रूट है ना, विदाउट गेट डिफिकल्ट रूट रहा है, हाँ बट हाँ थोड़ा सा। इसको हम आराम से कवर करेंगे, है ना। अच्छा, तो मैंने बीटेक पुणे से किया है, डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे से 2022 में। और फिर मैंने एक साल जॉब किया एचपी में, और उसके बाद एक स्टार्टअप में थी मैं, एबीएस टेक्नोलॉजीज। तो उसके बाद उसके मतलब मैं उधर थी सेकंड कंपनी में, तो मेरे को लगा कि मास्टर्स करना है मेरे को, तो फिर मैंने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया गो क्लासेस एनरोल करके। तो वो है मेरा गेट का 2022 में, सॉरी 2023 में एनरोल किया मैंने गो क्लासेस के लिए फॉर गेट 2024। तो मैंने वहाँ से पढ़ा है सब कुछ। तो आपने जॉब मतलब क्यों छोड़ा, इसे क्या लगा कि गेट के साइड जाना है? नहीं, जॉब मैंने किया था लाइक एंड एंड में, लाइक आफ्टर अगस्त अगस्त या सितंबर में मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा कि पूरा ही गेट पे फोकस करते हैं, बट गेट का तो बहुत ही कम टाइम बचा था, और मेरा सिलेबस भी अच्छे से हुआ नहीं था, रिवीजन नहीं हुआ था, तो इतना कुछ अच्छे से हुआ नहीं गेट का भी मेरे से ऐसा। तो मतलब आपको ऐसे कब लगा कि जॉब छोड़ देनी चाहिए और मतलब गेट से एमटेक में मास्टर्स करूंगी, ऐसा कब लगा आपको जी? एक्चुअली मतलब एक तो बहुत ही ज्यादा को क्लासेस का कंटेंट ज्यादा था, और वो उसके साथ बहुत हेक्टिक हो रहा था जॉब के साथ, तो मेरे को लगा कि नहीं होगा मेरे से। अगस्त में मैंने छोड़ दिया फिर वो, और मतलब वर्क फ्रॉम होम ही था, बट फिर भी मेरे को वो बहुत जरा हेक्टिक ऐसा लगने का, तो पूरा ही गेट का किया। बट स्टिल लाइक टाइम बहुत कम बचा था सितंबर के बाद, फिर वो रन इतना कुछ हो नहीं पाया ठीक से। कोई नहीं। तो जो जॉब के साथ आपने प्रिपरेशन किया, तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करनी हाँ, पड़ी? मतलब एक तो टाइम फ्लेक्सिबल था कि मतलब कभी भी कर सकते हैं जॉब का मेरा तो, और वो स्टार्टअप था तो इतना कुछ नहीं था उनका टाइम का, बट अपन थक जाते शाम को, तो इतना कुछ हुआ होने का नहीं मेरे से शाम को पढ़ाई, 2-3 घंटा ही मिलता है, तो मैंने वो उतना ही किया। और फिर मेरा एक गलती था कि मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से भी कुछ और सोर्सेस से पढ़ा था पहले से, तो वो सब बहुत बहुत कंफ्यूजन होने का, मतलब गो क्लासेस तो मेनली था बट पहले से भी कुछ और पढ़ के रखा था, तो मेरे को लगा कि टाइम कम होने के वजह से मेरे को वापस से नहीं पढ़ना चाहिए गो क्लासेस से, तो वो सब कंफ्यूजन के वजह से वो एक प्रॉब्लम हुआ था, मतलब कि पूरा गो क्लासेस पे नहीं, पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाया मेरे से ऐसा। तो यही है कि अगर मतलब किसी ने कोई कोर्स ले रखा है तो इधर उधर टाइम हाँ वेस्ट ना करें, मतलब एक ही कोर्स फॉलो करो तो ज्यादा सही रहता हाँ हाँ क्योंकि मेरे पास पहले का नोट्स था, तो मेरे को लगा कि मतलब वो तो है ही अपने पास, क्यों वापस से पढ़ने का, क्योंकि टाइम भी कम था, तो वही मैंने गलती किया, लाइक पढ़ना चाहिए था वापस से गो क्लासेस से ऐसा। एक लिया है तो एक पे ही फोकस करना चाहिए कौन सा भी हो आपके पास बिल्कुल। ऐसा। तो उस टाइम मतलब आप रिवीजन वगैरह फिर कैसे करते थे जॉब के साथ? रिवीजन, एक तो रिवीजन को टाइम ही नहीं मिलने का, क्योंकि कंटेंट देखने में ही बहुत टाइम जाने का, बट सर के भी रहते हैं समरी लेक्चर्स वगैरह, तो वो मैं देखने के कभी कभी ऐसा। हाँ हाँ तो और मतलब आपने मॉक्स वगैरह दिए थे गेट वगैरह के टाइम पे, जब प्रिपेयर कर रहे थे गेट के लिए? नहीं, एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं दिए थे मेरे से हुआ ही नहीं कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल ही रह ही गया था, पूरा ऑलमोस्ट पूरा ही रह गया था ऐसा, तो तो वो भी गेट रिग्रेट है मेरा कि करना चाहिए था टेस्ट सीरीज वगैरह सब।
गेट के बाद जब आपको लगा कि आपका एग्जाम अच्छा नहीं रहा है, तो फिर आपने और क्या क्या अदर्स ऑप्शंस मतलब देखे, क्योंकि क्या हाँ होता है ना लोगों का कि देखो सबका रैंक तो ऑब्वियसली नहीं आता ना, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे रहते हाँ हैं जो कुछ भी गलती हो जाती है ना वो रुक जाते हैं किसी हाँ एग्जाम और से। मेरा मेरा भी कितना मैसअप हुआ था हाँ आपका भी मैसअप हुआ था, और आपने आई थिंक मेरे को अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आई थिंक कुछ बताया भी था, आपका मैसअप हो गया, तो इसलिए बहुत सारे लोग। जनवरी में, जनवरी में हाँ तो वो है ना कि किसी का कुछ भी रीजन से मैसअप हो जाता है, तो गेट के अलावा भी और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ना, तो आपने और कौन सी ऑप्शंस और एक्सप्लोर करी फिर? मेरे को तो लगा कि मतलब कौन से तो प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं एमटेक के लिए या वैसे ही मास्टर्स के लिए, और फिर वापस से गेट का देते हैं, वो एक ऑप्शन रहता है, बट वो वापस से रिस्की हो जाता है, वापस से वही थॉट आता है कि नहीं हुआ तुम्हारा तो क्या है, फिर से वही हाँ साइकिल एक रिपीट तो रहता होगा। है कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे। हाँ ऐसा, और वो एक ऑप्शन था, और क्या, मैंने सोचा कि जॉब ले लेते हैं, बट वो फिर से अप्लाई करने में बहुत टाइम चला जाता है वैसा, तो वापस से रेज्यूम बनाओ, लीट कोड प्रिपेयर करो, तो वो भी नहीं मेरा मन था करने को इतना सब से, कि मास्टर्स का सोचा था, तो मैंने सोचा वही करते हैं वैसा, तो मैंने सोचा कि कुछ और वे रहता है क्या ऐसा आईआईटी में जाने का, तो एक ऑलरेडी एक क्या बोलते, एक फ्रेंड था मेरा यहाँ पे एमटेक करता था, तो उसने बताया कि बिना गेट का भी हो सकता है आईआईटी मद्रास में ऐसा, तो मैंने वो रूट से किया मतलब। तो हम हाँ थोड़ा स्टार्टिंग से वो रूट जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नया पता चलेगा बहुत कुछ है ना, क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं है ना जिस जिस मेरे जो को भी नहीं पता था हाँ पहले। हाँ तो जो पाथ आपने फॉलो किया उसकी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और एक्चुअली क्या होता है ना, मैसअप हो गया अगर गेट, फिर हम अगर दोबारा ड्रॉप लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी वो मैच वापस से रिस्की हो जाता है रिस्की फिर हो से। जाता है, और टाइम भी जा हो रहा है आपका, जैसे एज भी हो रही है टाइम भी होता है, और लोगों को फिर थ्रू आउट पूरा 1 ईयर फिर से प्रिपेयर करने में कई बार मन भी नहीं करता है ना, थोड़ा दिन करेगा मन फिर नहीं करेगा है ना। हाँ वो होता है वैसा। तो तो मैंने क्या किया कि सपोज लाइक मेनली तीन फील्ड्स रहते, लाइक एटलीस्ट आईआईटी मद्रास का तो पता है मुझे कि एक तो तुम AI ML में जा सकते हो, नहीं तो थ्योरेटिकल में या सिस्टम्स में जा सकते हो, और उसके रिलेटेड तुम प्रोफेसर्स को मेल कर सकते हो अगर तुम किसी उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो। तो फिर अगर उनको लगा कि तुम सूटेबल हो तो फिर वो रिप्लाई दे देंगे और तुम्हें तुम्हारा पूछेंगे प्रोफाइल कैसा है वगैरह, और उसके हिसाब से फिर तुम्हें यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट काम करना रहता है 6 मंथ्स के लिए, फिर तुमने 6 मंथ्स में क्या क्या काम किया उसके हिसाब से वो एक एक इंटरव्यू लेते हैं, और फिर तुम MS के लिए हो जाते हो एलिजिबल, ऐसा रहता है। तो इसमें गेट का कुछ नहीं है, बस तुम्हें तुम्हारा प्रोफाइल अलाइंड रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू वो प्रोफेसर को क्या चाहिए, अगर नहीं अलाइंड रहेगा तो भी तुम्हें पहले देखना चाहिए कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से सीखोगे तो वो भी चलता है ऐसा। तो आपने स्टार्टिंग में मतलब अप्लाई कैसे किया था यहाँ पे? प्रोफेसर अप्लाई नहीं, पर मैंने मेल किया था डायरेक्टली को प्रोफेसर मेल किया था को। आपने? ईमेल आईडी वेबसाइट पे मिल जाती होगी है ना हाँ वो तो सब ऑफिशियली कुछ? CS हाँ ईमेल रहता है उनका ऐसा, मतलब पूरा अभी आप सपोज IIT मद्रास का प्रोफेसर्स का लिस्ट गूगल करोगे तो बहुत सारे प्रोफेसर्स आएंगे, उनका क्या क्या फील्ड है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, और किसी किसी ने लिखा भी रहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु हैव इंटरेस्ट इन दिस टॉपिक और इन दिस टेक्नोलॉजी ऐसा, तो आपको इंटरेस्ट है तो वैसा आप मेल कर सकते हैं बिल्कुल। ऐसा। और मेल का मतलब जनरली कितने दिन में आपका रिप्लाई आ गया था? मेरा तो शायद 2 या 3 दिन में आया था। हाँ अच्छा लकीली हाँ आता नहीं कभी कभी प्रोफेसर्स का। थोड़ा टाइम भी लग सकता है ना। हाँ ऐसा। तो जब फिर आपका मेल आया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था बेसिकली? मैंने तो मेल किया था कि लाइक मैंने जो प्रोफेसर को मेल किया था उनका क्या बोलते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग और उसमें इंटरेस्ट, उसमें उनका रिसर्च एरिया था, तो मैंने मेल किया था कि मेरे को आता है वो, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट था मेरे बीटेक में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग नाम का, हाँ 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 तो मैंने वो मेल किया था उनको कि मेरे को थोड़ा है आइडिया उसका,
और उसका फ्रेमवर्क्स वगैरह आता है मुझे, बट और कुछ रिक्वायरमेंट है तो मैं सीख लूंगी ऐसा। और मैंने रिज्यूम वगैरह भेजा था उनको, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, बट तुमने क्या क्या अब तक कोडिंग किया है वो इसमें, वो सब भी दिखाना होगा। तो फिर मैंने वो सब गिटहब पे अपलोड करके उनको भेजा था, फिर वो उन्होंने एनालाइज किया सब, और फिर एक इंटरव्यू लिया था उन्होंने, और उसमें उन्होंने उसके रिलेटेड पैरेलल प्रोग्रामिंग और ओपन एमपी नाम का एक फ्रेमवर्क है उसका, और एक एमपीआई नाम का एक फ्रेमवर्क है उसके हाँ रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। वो मैंने पहले ही प्रिपेयर किया था थोड़ा, 1-2 वीक लेके, तो वो पूछा था, और फिर उनसे डिस्कस करके फिर उनका एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी था, चल रहा है उस पे, तो उस पे उन्होंने मेरे को क्या बोलते हैं उस पे काम करने को बोला, तो वैसे मैंने किया अपना। तो जब आपका हाँ इंटरव्यू हो गया तो उसके बाद उन्होंने मतलब हाँ काम करने का बोला, तो आपने फिर ऑनलाइन घर से काम किया था या फिर वहीं नहीं, जाके क्लास में? इधर आकर ही करना पड़ता है सब ऐसा। तो जब आप प्रोजेक्ट इसको मतलब जब आप काम करते हैं प्रोजेक्ट में तो आपको प्रोजेक्ट एसोसिएटेड बोला जाता है ना? हाँ राइट, 6 मंथ्स के बाद आपको बेस्ड ऑन अगर आपका काम सेटिस्फैक्टरी है और आप उस इंटरव्यू में सब ठीक से बोल पाए कि तुमने क्या क्या काम किया है, अगर वो सब ठीक है तो, और एक 2 पेज का रिपोर्ट भी लिखना रहता है कि तुमने क्या क्या किया और नेक्स्ट क्या करोगे, उसके बेसिस पे आपको फिर हो जाएगा अक्टूबर सेशन में एडमिशन, ऐसा रहता है। तो जब आप एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएटिव सिलेक्ट हुए तो उसमें आपको हाँ कुछ स्टाइपेंड वगैरह देते हैं? हाँ मिलता है, डिपेंड्स ऑन वो प्रोफेसर को कितना फंडिंग मिलता है उसके हिसाब से अच्छा हाँ ऐसा। लेकिन क्या है कि जो एमएस के 2 एडमिशन्स है इधर IIT मद्रास, एक HTRA और एक NHTRA करके, जो HTRA होता है वो नॉर्मल गेट स्कोर के हिसाब से जो अप्लाई करते हैं वो रहते हैं, जो जून में या मई जून में गेट के रिजल्ट के बाद अप्लाई करते हैं वो HTRA रहते हैं, उनको 12.5K मिलते हैं, जो इससे मिलता है उनको शायद गवर्नमेंट से वो रहता है। और जो NHTRA है उनको, जो मतलब अब मैं जिस जिसका जिस क्या बोलते हैं मैंने जिस वे से किया है उसको, वो प्रोजेक्ट NHTRA रहता है, नॉन HTRA करके, तो उनको प्रोजेक्ट का फंडिंग मिलता है और वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है नॉर्मल जो HTRA कैंडिडेट्स रहते हैं उनसे ऐसा ऐसा। कभी कभी मेरा तो इतना ज्यादा नहीं है, बट कोई कोई तो 50,000 वगैरह भी कमाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट ओह के। अच्छा हाँ ऐसा वो डिपेंड करता है तुम कौन से प्रोजेक्ट पे कौन सा प्रोफेसर के साथ है वैसा। बिल्कुल। तो उसके हाँ बाद फिर आपका जैसे 6 6 मंथ्स आपने काम किया और वीकली बेसिस पे वो लोग रिव्यू वगैरह भी प्रोफेसर करते होंगे कुछ काम हाँ को? वो भी रहता है, और तुम्हें कोर्स वर्क भी करना रहता है यहाँ पे आके एमएस का इसके साथ ही लाइक। अच्छा जब आप सिलेक्ट होती हो फर्स्ट टाइम तभी से? हाँ वो तभी से आपको 2 कोर्सेस लेने पड़ते हैं और उसमें मिनिमम सी ग्रेड का रिक्वायरमेंट रहता है ऐसा, तो आपको प्रोजेक्ट्स में तो भी काम करना है और आपको मिनिमम 2 कोर्स भी और लेने हैं। हाँ कोर्स वर्क भी अभी से ही स्टार्ट होता है एमएस का भी, विद अलोंग विद द जून रेगुलर बैच, सॉरी जुलाई जुलाई का। हाँ हाँ जुलाई अगस्त जो भी है वो है ना, हाँ हाँ वो तो वाला उसमें मिनिमम 2 लेने पड़ते हैं और भी ज्यादा ले सकते हैं कोर्स? ले सकते, बट 2 ही मिनिमम का 2 है, 2 भी बहुत हाँ ज्यादा होता है कभी बहुत कभी ज्यादा होते हैं। हाँ वो उसका तो है, बट कोई उसका कोई असाइनमेंट्स वगैरह बहुत ही रहता है तो हाँ बट कोई ऐसा सोचे कि हम 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं तो ले सकते हाँ ले हैं सकते ले सकते हैं, ना? बट वो लेंगे नहीं, वो ड्रॉप कर देंगे थोड़े दिन बाद, लोड बहुत होता है क्योंकि हाँ एमटेक वाले बिल्कुल। करते हैं 4-4 5-5 करते हैं, क्योंकि उनको बस कोर्स वर्क रहता है और कुछ नहीं रहता। एमएस का थोड़ा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड रिसर्च ओरिएंटेड रहता है इसलिए ऐसा है। बिल्कुल। तो जैसे ही आपके जैसे 6 मंथ्स हो गए उसके बाद फिर से इंटरव्यू वगैरह हुआ? नहीं, अभी अभी तो होने वाला है अक्टूबर में, तो नहीं उसके नहीं जब हिसाब से। मैं वो जर्नी की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका फर्स्ट में जब सिक्स हाँ मंथ्स हो गए थे उसके बाद फिर आपका फिर से हाँ हाँ इंटरव्यू हाँ हुआ था? नहीं, मैंने जून में ज्वाइन किया है और उसका 6 मंथ्स वाला इंटरव्यू अभी अक्टूबर सेशन में होगा। अच्छा अभी होगा आपका इंटरव्यू। हाँ वैसा तो प्रोसेस मतलब अच्छा है बट थोड़ा सा आपको प्रोफेसर को मतलब हैप्पी करना पड़ेगा काम से, है ना? काम से अट्रैक्ट करना पड़ेगा हाँ आपको। हाँ वो तो है ऐसा। तो अभी और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह में या कोर्सेज में? चैलेंजेस
लाइक मेरे को तो लगता है कि थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड रहना चाहिए, पेपर्स वगैरह बहुत पढ़ने पड़ते हैं ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल और हाँ। एमएस के लिए भी उनको तो थेसिस वगैरह वो सब भी लिखना रहता है, तो वो सब रहता है चैलेंजेस। हाँ ये तो है। और इसका हाँ ड्यूरेशन कितना रहता है अप्रोक्सीमेट? वो वेरी करता है, 2.5 या 3 इयर्स का एमएस के लिए ऐसा। मतलब 2.5 मिनिमम हो गया तो 3 इयर्स आपका मैक्सिमम हो जाएगा, राइट? एक्सटेंड डिपेंडिंग ऑन तुम क्या और एक्सटेंड कर रहे रिसर्च को, तो वो बढ़ सकता है 3 साल तक भी ऐसा। और इसमें मतलब रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करना भी कंपलसरी रहता होगा? हाँ नहीं कंपलसरी नहीं है कुछ ऐसा। अगर तुम्हें बोले वो प्रोफेसर तुम्हारा गाइड अगर बोले कि करना ही है तो कर सकते हो, नहीं तो हाँ। चलता है। वैसे सब लोग चिल्लिए इधर, कोई ये कोर्स नहीं करता। वो पब्लिशिंग मतलब बहुत बड़ा एक काम रहता है, उसको बहुत टाइम लगता हाँ है, वही वही। बट अगर वो जैसे डन। बट अगर हो जाता है किसी का तो बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब हाँ रिज्यूम में लिखने के लिए भी और आगे पीएचडी हाँ के लिए भी। हाँ हाँ पीएचडी का भी रहता है ऑप्शन एमएस होने के बाद डायरेक्टली ऐसा। हाँ वो तो अच्छा है। और तो और इसमें अगर हम थोड़ा मेजरली बात करें कि जैसे कोई जैसे एमएस कर रहा है और वो प्लेसमेंट्स की तरफ देखे अगर, तो हाँ प्लेसमेंट्स की क्या अपॉर्चुनिटी रहती है? जो एमटेक में रहती हैं वो सेम ही रहती हैं या कुछ डिफरेंस होता है? सेम ही रहता है। लाइक एक एक डिफरेंस रहता है कि उनको कोर्स वर्क होने के बाद कुछ तो मिलता है प्लेसमेंट के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं ऐसा है। और एमटेक वालों का वैसा नहीं है, उनका स्टार्ट होता है टाइम टू टाइम, उनका रहता है उनका अभी दिसंबर से स्टार्ट होगा प्लेसमेंट सीजन, सेकेंड ईयर के दिसंबर से हाँ वैसा। तो एमएस का वो वेरी करता है। और एमएस वाले जो रहते हैं वो ऐसा प्रेफर करते हैं कि उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से कंपनी मिले उनको, वैसा हाँ एमएस वाले प्रेफर करते हैं। बट कंपनी सेम ही रहते, कोई ये नहीं करता, डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि ये एमएस है तो इसका कम गेट स्कोर है तो नहीं मिलेगा ये कंपनी, ऐसा नहीं है हाँ कुछ ऐसा। स्टूडेंट्स ही वो मतलब थोड़ा देखते हैं कि प्रोफाइल के हिसाब से चाहिए क्योंकि हमने इतना रिसर्च किया है तो वैसा। बिल्कुल है, क्योंकि आप हाँ यहाँ पे मतलब 2 ढाई साल 3 साल आप अपना एक अलग एरिया में वर्क कर रहे हैं और हाँ कंपनी में हाँ डिफरेंट एरिया में मिलेगा काम, तो फिर हाँ वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, है ना? हाँ अगर सपोज कोई तो कंपनी है और फिर आप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर को भी बोल सकते हैं कि हमें ये रोल के लिए अप्लाई करना है, तो फिर वो उस हिसाब से एचआर के साथ भी बात करते हैं, तो वैसा सब होता है यहाँ पे। बिल्कुल। तो आई थिंक जो आपका रूट है काफी लोगों को अब तो अवेयरनेस हो ही जाएगी, है ना? तो हेल्प भी करेगा और हाँ मतलब बार बार ड्रॉप लेने से तो अच्छा है ना, तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा रूट है वैसे, क्योंकि आप एक बार हाँ पहुंच गए वहां और वहां आप मेहनत कर ही रहे हो ऑब्वियसली, तो फिर आप सेम पेज पे आ जाते हो जो भी नॉर्मल गेट से भी लोग गए हैं ना, तो अपॉर्चुनिटी वाइज तो आपको कोई मतलब डिफ्रेंशिएट किया नहीं गया है ना सारी नहीं इस। नहीं कुछ नहीं हाँ वही है। हॉस्टल लैब लाइब्रेरी सब कुछ सेम ही होता होगा, कोई हाँ सब सेम दिक्कत? ही है, कुछ भी नहीं है अलग ऐसा। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब वही ना कि आपका रास्ता भले ही डिफरेंट है पर मंजिल एक ही है हाँ ना, तो वो अच्छा है ना। हाँ बाकी IITs में भी रहता है ये अपॉर्चुनिटी, आपको देखना पड़ेगा उन प्रोफेसर्स का वेबसाइट खोल के कि वो लोग अगर ले रहे किसी प्रोजेक्ट के लिए तो आप मेल कर सकते हैं वैसा। बट आपको आना चाहिए कुछ तो, आउट ऑफ गेट सिलेबस, आउट ऑफ एवरीथिंग, कुछ तो एक्स्ट्रा चीज आना चाहिए, फिर आप वैसा कर सकते हैं अप्लाई, बिल्कुल वो बात रहता है। बिल्कुल। और मतलब गेट के बाद ऐसे होता है ना कि मतलब काफी लोगों का मैसअप हो जाता है, तो वो अब उनको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, मतलब और भी तरीके हैं, आप वहां से उससे भी जा सकते हो, है ना? हाँ मैंने आईआईटी में। गेट के बाद ही किया था। अभी जो हुआ 24 का रिजल्ट आया था तो वो खराब आया था बहुत, तो मैंने सोचा था कि अब वापस से तो ड्रॉप बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हाँ और ऐसा। क्या। तो नहीं, वो मैंने होता है ऐसा, मुश्किल, वो तो बिल्कुल। हाँ इसलिए घर पे भी कितना बोर होता है, 1 साल वापस से पढ़ो सब कुछ, तो मैंने सोचा कि अभी तो लेना ही है एडमिशन, तो मैंने एमटेक नहीं तो एमएस के लिए सही है इसलिए ऐसा किया। और एक हाँ लास्ट क्वेश्चन की मतलब जैसे आपको पहले से इंटरेस्ट था जैसे सिस्टम्स में या फिर आपने इंटरेस्ट बनाया है समथिंग? क्योंकि मेरे को एआई का इतना कुछ आइडिया नहीं था और उसके लिए लीनियर अलजेब्रा वगैरह बहुत इतना कुछ अच्छा नहीं था, और सिस्टम्स मेरे को आता था और उसका एक सब्जेक्ट भी था बीटेक में,
तो वो सब देख के मैंने वो प्रोफेसर को मेल किया था कि मेरे को इंटरेस्ट है ऐसा। और यहाँ पे तो IIT मद्रास में बहुत ही वेलकमिंग है, मतलब अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो फिर वो लोग भी उतना ही इक्वली इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो कभी ऐसा मना नहीं करेंगे। अगर तुम्हें नहीं आता भी होगा तो फिर वो बोलेंगे कि ठीक है तुम्हें ये सब स्किल सेट है ये सीखना रहेगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए, या फिर तुम कर सकते हो क्या ये सब, थोड़ा सा टाइम भी देंगे वो, तो वो सब फ्लेक्सिबल है वो यहाँ पे, ऐसा है। तो ये तो अच्छा है काफी। अगर मतलब आपको थोड़ा बहुत नहीं भी आती नई चीजें कुछ कुछ, तो आप सीख भी हाँ सकते हो, है ना। हाँ पूछ सकते हो कि क्या सीखना है क्या करना है वगैरह, तो बता देंगे बिल्कुल। ऐसा और ऐसा रहे। इसमें इसमें एक्स्ट्रा मतलब जो जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स की फी वगैरह लगती है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फी रहती है या सिमिलरली फीस वगैरह रहती है। फीस तो वही रहती है नॉर्मली MS जैसी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, उल्टा ज्यादा पैसे भी मिलते हाँ हैं ये अच्छा है फिर। ऐसा। हाँ वो प्रोजेक्ट के हिसाब से फंडिंग रहती है ना, आई थिंक प्रोजेक्ट पे जो। हाँ वो बढ़ता भी है धीरे धीरे ऐसा। तो अच्छा है फिर। हाँ मेरे को भी नहीं पता था ये सब पिछले साल हाँ और ऐसा। IIT मद्रास के अलावा भी ऐसी और भी IIT होंगी जो मतलब एजाजी। हाँ दिल्ली में भी है ऐसा, वो ऐसा है एमटेक रिसर्च जो वहाँ पे है उसके लिए वैसा लेते, बॉम्बे में भी रहता है और मैंने सुना है कानपुर में भी रहता है, बट श्योर नहीं है, वो देखना पड़ेगा, बट बॉम्बे और दिल्ली में रहता है ऐसा। हैदराबाद में भी होगा आई थिंक, हैदराबाद में। हाँ शायद, इतना पता नहीं है। तो वो तो लोग ऐसा है कि गेट के बाद पढ़ना स्टार्ट रखेंगे और थोड़ा अपने आप से सर्च भी करेंगे ना, तो ये तरीके मिलेंगे लोगों को, है ना। हाँ लाइक तीन फील्ड बताए मैंने, थ्योरेटिकल AI और सिस्टम्स, उसमें से एक पे बहुत ज्यादा फोकस रख के आपको उसी में ही जाना रहेगा, तब बिल्कुल। आपका हो जाएगा वैसा। वो एक एक फील्ड वो अच्छे से कर लो ताकि प्रोफेसर इम्प्रेस हो जाए आपके रिज्यूम हाँ में, है ना, हाँ लाइक रिज्यूम देख के। वो सब भी पूछेंगे, लाइक इसका OS का और COA के क्वेश्चंस भी मेरे को पूछे थे उन्होंने, जो इनिशियली मेरा सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू था तो भी पूछा था उन्होंने उसके रिलेटेड। तो वही है कि गेट के बाद मतलब लोग ऐसे ना डिप्रेस हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो वो नहीं करना है, किसी एक एरिया पर फोकस करेंगे तो हाँ ऑब्वियसली अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये भी, है ना। हो जाता है फिर ऐसा। या तो आई थिंक मतलब आपकी जर्नी से ऑब्वियसली लोग इंस्पायर होंगे, और कोई कोई ना कोई तो जरूर नेक्स्ट ईयर इसी रूट से आएगा ही, है ना, क्योंकि आपको हाँ पता है गेट देखते में हैं, नहीं काफी लोग मतलब अब तो नेक्स्ट काफी। ईयर नहीं, लाइक कभी भी आ सकते हैं, लाइक इवन अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, बात कर सकते हैं प्रोफेसर से। अच्छा इसका कभी वो ऐसा नहीं रहता फिक्स। नहीं बस जो एप्लीकेशन विंडो रहता है MS के लिए, वो एक तो अक्टूबर में स्टार्ट होता है और एक नॉर्मल कब रहता है ये गेट के बाद जून एडमिशन का, जून जुलाई समथिंग। हाँ जून जुलाई में एक रहता है और एक अक्टूबर का रहता है, बस तभी आप MS के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट प्रोजेक्ट के लिए काम करने को आप कभी भी आ सकते हो। और जब तुम्हारा ये रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ MS रहेगा, लाइक मेरा जनवरी में रहेगा अभी, तो उस डेट को तुम्हारा 6 months कंप्लीट होना चाहिए ये समझ करके, गया। एक्सपीरियंस लेके और सब लेके, फिर तुम्हारा हो जाएगा MS में एडमिशन, वैसा है। तो वही है कि हाँ लोगों को मतलब अपने मतलब खुद से काफी चीजें थोड़ा देखनी पड़ेंगी, है ना। और कुछ हाँ भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपका लिंक्डइन डाल दूंगा पिन कमेंट में, तो आपसे लोग मैसेज हाँ करके पूछ लेंगे, है ना, कुछ भी लोगों को हेल्प चाहिए हो हाँ तो। ठीक है। अभी तो अभी ये स्टार्ट हुआ है, लाइक जो IIT मद्रास का MS एडमिशंस का है फॉर जनवरी विंटर एडमिशंस, तो अभी उसका स्टार्ट हुआ है, 31 तक है उसका लास्ट डेट, 31 अक्टूबर तक। अच्छा ओके। हाँ तो कर सकते हैं अप्लाई अभी भी तो आपका अगर। इंटरव्यू एक दिन में हाँ लाइव, 2 दिन में लाइव करना पड़ेगा ताकि लोगों को जल्दी से फायदा मिल जाए। क्योंकि उसमें क्या उस एप्लीकेशन में क्या रहता है कि तुम्हारा BTech का सब CGPA और अगर तुम्हारा गेट का कोई स्कोर रहेगा पुराना वाला वो डाल सकते हैं, और तुमने अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह किए वो सब भी डाल सकते हैं, तो उसके हिसाब से तुम हो जाओगे शॉर्टलिस्ट, और तुम्हारा नवंबर में इंटरव्यू होगा, और अगर उसमें सब ठीक हुआ तो हो जाएगा एडमिशन।
फॉर विंटर सेशन, जनवरी वाला सेमेस्टर, तब से एमएस के लिए बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा। और जो जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सारे कोड्स वगैरह अगर गिटहब पे डले होंगे तो प्रोफेसर देखने में भी उनको आसानी हो जाएगी, है ना? हाँ, मतलब गिटहब अच्छे से रहना चाहिए तुम्हारा, हाँ, फिर हो जाता है। तो वो इम्प्रेस हो जाएंगे कि चलो अच्छा काम कर रहा है ना स्टूडेंट, तो वो थोड़ा लेने में इंटरेस्टेड भी हो जाते हैं फिर, है ना? वो तो है। हाँ, हाँ वो कुछ इतना नहीं देखते बैकग्राउंड की, कौन से फील्ड से है, कौन से क्या है, बस वो देखते हैं कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है वगैरह। तो ब्रांच वगैरह कुछ नहीं देखते कि बस सीएस के चाहिए, बस आईटी के चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनको चाहिए कि कोई बंदा है जो अच्छे से काम कर सके, इंटरेस्ट हाँ के साथ, है ना, लग के काम कर हाँ सके, मेहनत करे। हाँ वैसा रहता है। हाँ हाँ उतना ही। चलो अच्छा है। तो आपने आई थिंक काफ़ी अच्छे से अपना एक्सपीरियंस बताया है कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और मज़ा आया बात करके। और ऑब्वियसली यहाँ तक जिसने देखा होगा तो उसको भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच श्वेता टाइम देने के लिए काफ़ी बिजी शेड्यूल से। हाँ नहीं, कुछ नहीं। ओके, ओके थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो ओके, मच थैंक यू सर, एंड थैंक बेस्ट यू। विशेस फॉर योर फ्यूचर। हाँ, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच।